हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सेक्शन 2024-25 के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स वाइज भरना है। यदि आप यहाँ पर जो ऊपर ही देखेंगे सेक्शन 2024-25 बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो चीज़ ओपन होकर के मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। और रिसीविंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर भरना होगा। यानी कि जो हमें BRC के माध्यम से या हमारे ज़िले के माध्यम से जो बुक्स प्राप्त हुई हैं उसकी रिसीविंग के लिए यहाँ पर हम क्लिक करके भर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वाइज यदि आपको भरना है तो आप यहाँ से नहीं भर सकते हैं। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस बिंदु पर जाना होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर जो 3 लाइन्स दिए गए हैं उनको क्लिक करना है। जैसे कि ये आपके दिख रही हैं 3 लाइन्स, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम को सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग आउटकम आ गया, ये देखिएगा। इस लर्निंग आउटकम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सूचनाएं दी गई हैं। उनमें से आपको जो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ढूंढना है। तो यहाँ से कई एक जानकारियाँ आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक देख सकते हैं, स्टूडेंट वेरीफाई ड्रॉप आउट देख सकते हैं, स्टूडेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस देख सकते हैं, स्टूडेंट ट्रांसफ़र एनालिटिक देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2024-25 एंड स्टूडेंट एंड गार्जियन आधार वेरीफिकेशन स्टेटस एनालिटिक्स, ऐसे मतलब कई एक पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट है, स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस है, स्टूडेंट रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB वेरीफिकेशन है, वेरीफाई प्रोसेस है, इसको कोई बच्चे की अगर गलत है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद रिसोर्स पास आउट स्टूडेंट एनालिटिक है, स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस का एनालिटिक है, स्टूडेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन यही है सेशन 2024-25 और इसके बाद CWSN स्टूडेंट डेटा मार्क बाई टीचर। तो ये सभी जानकारी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो आज काम करना है वो इस पर काम करना है स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप किसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, यहाँ पूरा डिटेल होगा। अब यहाँ पर सभी बच्चे आपके शो होंगे, तो नहीं आप देखिएगा सभी टोटली बच्चे देखे जाएंगे सभी क्लासों के एक साथ। तो यहाँ पर पहला बच्चा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन आ रहा है इसे हम क्लिक करेंगे तो इस बच्चे को जो बुक्स आपने बांटी हैं या नहीं बांटी हैं यहाँ पर टिक होकर के नहीं आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर करना है। जैसे हमारे यहाँ इस बच्चे को हमारा प्रवेश कक्षा 3 का ये बच्चा है तो हमारा प्रवेश मिल चुकी है, वर्कबुक रेनबो मिल चुकी है, कार्य पुस्तिका पंखुड़ी मिल चुकी है, कार्य पुस्तिका अंकों का जादू मिल चुकी है, संस्कृत पीयूषम की एक बुक इस बार केवल प्राप्त हुई है, उसी में जो कार्य पुस्तिका का काम है वो भी है और टेक्स्ट बुक का काम भी है, तो हमने इसको भर दिया है संस्कृत पीयूषम कक्षा 3 टेक्स्ट बुक। इसके बाद रेनबो कक्षा 3 और अंकों का जादू 3 टेक्स्ट बुक है ये और पंखुड़ी टेक्स्ट बुक है। इसके बाद में यहाँ पर संस्कृत पीयूषम का जो है दूसरी बुक उसको हमने नहीं भरा है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बुक प्राप्त हुई है तो बुकों की संख्या हमें एक ही रखना है। तो इस प्रकार से आसानी से आप इतना काम करने के बाद में किसी को भी आप कम ज़्यादा बुक्स हुई उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर जा कर के यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, सेव हो जाएगा डेटा आसानी से। इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे का डेटा भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर जो प्राप्त हुई हैं बुक्स वो कक्षा 3, 4 और 5 की प्राप्त हुई हैं, तो वही डेटा यहाँ पर फिल किया जाना है। तो आसानी से आप इसे फिल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, जिससे कि मैं जहाँ तक हो सकती है आपकी मदद कर सकता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।